गाइस मैं गुलजार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे से वेलकम। और जो लोग इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, चैनल तक पहुंच चुके हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम एक बड़ी फैमिली बन सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। आज भी ट्रिपल कंपेरिजन है, इंडियन रेलवे वर्सेज पाकिस्तान रेलवे वर्सेज बांग्लादेश रेलवे। पाकिस्तान से अलहदा हुआ इंडिया से अलहदा हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान से अलहदा हुआ बांग्लादेश। मजेदार होने वाली वीडियो, देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन।
की वीडियो थी कि इसका इंडिया ब्रांड है ब्रांड भाई, रुखसार भाई कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, कंपैरिजन बनते नहीं था। हमारा दिल था कि भाई ट्रेनों का चस्का लिया जाए, कौन कौन सी बेहतर ट्रेन है, हमें तो पता था भी इंडिया बहुत आगे होगा। और बिल्कुल लेवल वाइज ही है मेरे भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान से आगे तो पाकिस्तान का जो हाल है वो कुछ बांग्लादेश से बेहतर है, आगे पीछे नहीं है। एक जैसा देखिए बांग्लादेश जो है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश सेम टू सेम है, कोई थोड़ा बहुत फर्क है। ट्रेन का जो डिफरेंस बताया गया ना वो तो अच्छा, कई है दो ऐसे सिस्टम थे जो पाकिस्तान में थे ही नहीं। एक वो आई थिंक वो जो ऊपर चल रही थी उसका नाम मुझे भूल गया, जो मोनोरेल, मोनोरेल सिस्टम पाकिस्तान में ही नहीं ना बांग्लादेश में, उससे पहले वाला जो था वो भी पाकिस्तान बांग्लादेश में। तो जो डबल डेकर यार, जो मेट्रो ट्रेन है ना पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एक एक शहर में है। हाँ जी, और जो इंडिया में 16 के 17 सिटी में, 16 में है और 12 में अंडर कंस्ट्रक्शन है। 12 में अंडर, हाँ जी वो भी साथ था बताया उन्होंने, 12 में अंडर कंस्ट्रक्शन है, 16 में। तो जो म्यार था ना रेलवे जो मेट्रो का भाई कमाल है, जो यूरोपीय कंट्री में जो मेट्रो देखने को मिलती है ना वो इंडिया में देखने वो मोनोरेल सारा वो इसी तर्ज पर है। अच्छा ये जो उनके ट्रेन्स है ना, बाकी अगर इंडिया के पाकिस्तान से बेहतर है तो इंजन के लिहाज से या स्पीड के लिहाज से पाकिस्तान का कोई फर्क होगा बांग्लादेश में? अच्छा ये तो एक कंपैरिजन था इन तीन मुल्कों का, लेकिन जब मैंने बुलेट ट्रेन देखी ना इंडिया की, अब भाई वो वंदे भारत, वंदे भारत थी, मुझे उनका जो शेप थी ना ऐसे बुलेट ट्रेन की शेप ही है पर है वो वंदे भारत, वंदे भारत। तो यूरोप में भी ट्रेनें अच्छी हैं, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर, मैं यार जो अच्छी चीज है उसकी मैं जरूर मिसाल दूंगा, मुझे जरा इसका होता है। तो जब मैंने देखा ना चाइना की वो बुलेट ट्रेन चलती हुई, तो मैंने अंदाजा लगाया कि शायद ये 300-350 तक स्पीड होगी उसकी। तो जब मैंने मिसाल क्यों नहीं दी, जापान में इससे भी ज्यादा चीज यार अच्छी होगी, जो मैंने चीजें देखी है, मैं तो चाइना का बुलेट ट्रेन चला रहा है, बिल्कुल चला रहा है। और मैंने जब वो शेप देखी ना इंडिया की ट्रेन की, तो मैंने लगा कि मुझे लगा शायद ये इसकी स्पीड भी सेम वही होगी, इनका मुकाबला हो ही नहीं सकता। इंडिया बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ रहा है, जो मेट्रो ट्रेन है उसकी 16-17, तो ये उसका तो कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। तो ये जिस भाई ट्रैक का देखें, ट्रैक जो पाकिस्तान की ट्रेन जिस ट्रैक से गुजर रही थी उधर मतलब देना गर्द कूड़ा करकट ज्यादा था, कूड़ा करकट था बांग्लादेश के भी, अच्छा आलूदगी ज्यादा। अच्छा इधर से आप ये भी तय कर सकते हैं को इंडिया की आवाम और पाकिस्तान की आवाम में कितना डिफरेंस आ गया है कि इधर जो ट्रैक उसके ऊपर वो पैकेट वगैरह फेंक देते हैं, खाली सश वगैरह शपर वगैरह फेंक देते हैं और कूड़ा करकट वगैरह फेंक देते, जिसकी वजह से इतना ज्यादा गंद आलूदगी है। और इंडिया की ट्रैक जब चली थी ट्रेन वो भी आपने देखी उधर को है इस तरह को था इस तरह को। अच्छा जो सबसे जो होती ना लग्जरी जो उन्होंने लग्जरी के की मुझे लग्जरी बड़ा अच्छा है। वो भाई जो महाराजा थी ना उसका हमने इंटरव्यू किया था, उस पर हमने रिएक्शन दिया था, उसका पूरा जो व्लॉग था ना भाई कमाल था। ऐसी ट्रेन मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में नहीं है, नहीं चलाई जाती, वो स्पेशल टूरिस्ट के लिए बनाई गई है। आपने उसका ये हो सकता है ना भाई गुलजार, हमने इससे बेहतर ना देखी नहीं। असद भाई मैं तुझे बताता हूँ क्लियर, जो वो ट्रेन है ना वो स्पेशल जो बाहर की कंट्रियों से टूरिस्ट आते हैं ना उनके लिए, पूरे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो होते हैं उनका वो घुमाने के लिए बनाई गई है। इतनी खूब यहाँ पर मेहमान आ जाता है कंट्री का जो है, मिनिस्टर वगैरह होगा, दुनिया की हर फैसिलिटी उसमें दी गई, बिल्कुल जैसे वो रेस्टोरेंट होता है वैसे वो ट्रेन है। भाई इंडिया का तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करना इंडिया की तोहीन है, ये बात हकीकत है हर लिहाज से देखे उन्होंने वो आगे है। रेलवे और ट्रेन इन सिस्टम में तो बहुत ही आगे हैं, नितिन गडकरी साहब उनके जो रेलवे मिनिस्टर का नाम मुझे भूल गया, रोड्स रेलवे में वो बहुत आगे हैं और उनकी जो है वो बुलेट ट्रेन की तरफ जा रहे हैं और हम अभी तक हमारी बोगी नहीं सेट हो रही हमारे ट्रैक पर। भाई रुखसार आपकी ये बात ठीक है, जैसे ही भाई गुलजार ने कहा ना कि उनका ऐसा लगता है अंदर से जैसे रेस्टोरेंट है, तो मुझे दिमाग में एक बात आई है भाई, बिल्कुल यूरोप में इसी तरह की एक ट्रेन है, मुझे नहीं पता वो इंग्लैंड की है, मुझे नहीं पता वो मतलब किसी और कंट्री की है, उसमें बैठे हो शेप बुलेट ट्रेन की है, लेकिन उसमें बैठे हो तो वो उनका मानना है कि आपके पानी के गिलास जो है ना उसमें पानी इतना सा भी नहीं हिलेगा। तो ये भी बड़ी अच्छी इंडिया की ट्रेन थी, इंडिया आगे है
और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।